अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे परमानेंट क्लाइंट्स की, और परमानेंट क्लाइंट क्यों होने चाहिए और क्यों आपको रखने चाहिए और किस तरह से वो आपको मिलेंगे। स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने कोई भी वर्क जो क्लाइंट का है वो फाइवर के प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं करना, राइट, और आपने फाइवर के अंदर ही करना है। अब क्या होता है, मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से फाइवर में किसी भी रीज़न की वजह से मेरा अकाउंट डिसेबल कर दिया। अब वो जितने भी क्लाइंट थे मेरे उस प्रोफाइल के अंदर वो सारे चले गए, फॉर लाइफ टाइम के लिए मेरा उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा। हालांकि उन्होंने मुझे हायर किया, उन्होंने मेरे से काम करवाया और उसके बाद 5 स्टार दिए। अब जब भी उन लोगों को फ्यूचर के अंदर कोई काम पड़ेगा तो मैं तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं हूँ उस प्लेटफॉर्म पर, तो वो किसी और को हायर करेंगे। तो इसका सिंपल सा हल ये है कि आपने उस क्लाइंट को किसी ना किसी तरह से व्हाट्सएप पे लेके आ जाना। अब किस तरह से लेके आ सकते हो आप व्हाट्सएप के ऊपर, आप जूम का लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रोजेक्ट आपने डिस्कस करना है तो आप जूम का लिंक शेयर करते हैं फाइवर के ऊपर, और वहाँ पे जब वो मीटिंग ज्वाइन करता है तो आप मीटिंग के अंदर ओरली उससे मांग सकते हैं कि आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें फॉर क्विक कम्युनिकेशन, और उस नंबर को आप सेव करके आप उसको व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट हो जाएं। अब फ्यूचर के अंदर जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी आपकी, या वही सर्विस उसको चाहिए होगी, या उसी सर्विस के अंदर कोई इशू हुआ और उसको फिक्स करवाना हुआ, वो बजाय नया बंदा ढूंढने के, नया फ्रीलांसर ढूंढने के, आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप करेगा और आपको काम असाइन कर देगा। इस तरह से आपने जो है वो स्ट्रीम बनाते जाने। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपने मेक श्योर वही क्लाइंट्स बाहर लेके आने जो ट्रस्टेड होंगे, जिनके साथ आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा फाइवर के ऊपर, उन्होंने आपके साथ अच्छी कम्युनिकेशन की होगी, अच्छा पे किया होगा और उनका बिहेवियर अच्छा होगा। अदरवाइज कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो व्हाट्सएप पे आ जाते हैं और बाद में आपसे काम करवा लेते हैं और आपको पेमेंट नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो आपने इस तरह से आप उनको बाहर लेके आ सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। और अब ऑब्वियसली बात है, जब प्रोफाइल डिलीट हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, या कुछ भी होता है, डिसेबल हो जाती हैं, वट एवर, तो वो जो क्लाइंट्स हैं वो सारे क्लाइंट्स वंस फॉर ऑल जो मैंने 2 साल के अंदर बिल्ड किए थे वो चले गए। लेकिन अब मुझे दोबारा से फाइवर की प्रोफाइल बनानी पड़ेगी या किसी और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा और नए क्लाइंट्स बिल्ड करने पड़ेंगे। लेकिन अब क्या होता है, अगर अब मैं फाइवर नहीं भी चलाता, जो कि मैं ज़्यादातर नहीं चलाता और अब पर के फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, जितने भी क्लाइंट्स हैं वो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर हैं और वो लॉन्ग टर्म हैं। इवन 2018-2017 के जो क्लाइंट्स हैं वो अब तक मुझे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू दे चुके हैं, और उनके साथ फिर मैं थोड़ा सा जो है पर्सनल रिलेशन बना लेता हूँ, उनके साथ कुछ फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है हमारा। तो मैं उन्हें कह देता हूँ कि आप मुझे क्लाइंट्स रेफर करें और आप जो है क्या करें उसका 20% आप रख लीजिएगा जो क्लाइंट पे, और काम मैं करूँगा। तो लेट्स से अब उसका कोई फ्रेंड है जिसने सेम वेबसाइट बनवानी है, लोगो बनवाने है, कुछ भी कोई भी सर्विस उसे चाहिए, तो वो उसको मुझे रेफर कर देगा। और लेट्स सपोज उसके फ्रेंड ने $400 पे किए तो मैं उसको $100 पे कर दूंगा, $300 मैं अर्न कर लूँगा, और इस तरह से जो मेरी क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी और मेरा जो पर्सनल क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो वो भी बढ़ता जाएगा, और वो सारे लोग मुझे कंटिन्यूस बेसिस पे काम दे रहे होंगे और मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। और फाइवर को मुझे 20% पे करना पड़ता है, अपर को मान के चले $100 मैंने फाइवर के ऊपर कमाया तो मुझे $80 मिलेंगे, अब तो ट्रांसफ़र के भी $3 और कट जाते हैं। तो ये इश्यूज हैं जिनसे बचने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि फाइवर अपर के ऊपर अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड ना करें, वहाँ पे अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करें पहले और तब ही आपके एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनेगा। उसके अलावा लेकिन ये काम भी कंपलसरी करें, आप पर्सनल क्लाइंट्स भी लाजमी रखें जो कि आपके व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर आपके साथ अटैच रहें, ताकि आपको कंटिन्यूस वर्क मिलता रहे, आपका कोई इशू आ जाए, आपकी प्रोफाइल डी रैंक हो जाए, ऑर्डर नहीं आ रहे हों या डिसेबल हो जाए प्रोफाइल, तो वो क्लाइंट्स एटलीस्ट आपके पास हों और वो आपको कंटिन्यूस काम दे रहे हों। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि एक्चुअल में क्या कंसेप्ट था इस वीडियो का। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टेक्निक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।